कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा तो यह राज्य जो आज पांचवी अनुसूची में है यह सिक्स शेड्यूल घोषित होगा, छठी अनुसूची में शामिल होगा। और जब कोई भी राज्य छठी अनुसूची में शामिल होता है तो भारत सरकार उसको स्पेशल पैकेज देती है विकास करने के लिए। रघुवर दास जी ने 1950 ही लागू किया, लेकिन लागू अपने स्तर से कर दिया था ना। आप 1932 ही कैबिनेट से क्यों नहीं पास करते? सबके हित में था। आप अगर सबके हित में नहीं मानते हैं तो आप राज के मुखिया हैं, तो आपको सर्वसम्मति से राजहित में, यहाँ के लोगों के हित में आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए था। क्या आपने सर्वदलीय बैठक बुलाया? एसटी में शामिल होगा तो उसका हिस्सा छीन लेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ के कुर्मी समाज पहले से ही आदिवासी में है, अनुसूचित जनजाति में पहले से शामिल है। हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में है। जब 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसमें हम भी प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में डाला जा रहा है कि यह समाज को जब दर्जा मिल जाएगा तो वो हमारे हक को छीन लेंगे, ऐसा बात नहीं है। जब कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा तो यह राज्य जो आज पांचवी अनुसूची में है यह सिक्स शेड्यूल घोषित होगा, छठी अनुसूची में शामिल होगा। और जब कोई भी राज्य छठी अनुसूची में शामिल होता है तो भारत सरकार उसको स्पेशल पैकेज देती है विकास करने के लिए। तो इसके लिए क्या डिमांड आप करते हैं? निश्चित रूप से मैं राज्य के युवा मुख्यमंत्री से कहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण, यहाँ के कुर्मियों भाइयों का भी योगदान रहा है, लंबे संघर्ष जो हुआ है, शहादतें हुई है झारखंड में अलग राज्य में, उसमें कुर्मियों लोगों ने भी, उस समाज के लोगों ने भी अपनी शहादत दी है निश्चित रूप से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रस्तावना में भी है, जो संविधान है उसमें, जो अधिवेशन में, उसमें भी कई जगह दर्ज है कि अनुसूचित जनजाति में हम कुर्मी समाज को शामिल करें। तो भाजपा की ओर से आप इस मांग को क्यों नहीं उठवाते हैं? आप अकेले बोलते हैं। देखिए, मैं विधायक हूँ, हर विधायक को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं अपना बात रखता हूँ। पार्टी का स्टैंड क्या है? अब पार्टी का स्टैंड आप पूछना चाहते हैं तो आप जानिए कि यही भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा की सरकार ने 2004 में झारखंड के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ला के केंद्र सरकार को भेजा था। ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि हम जो है झारखंडियों को नौकरी देने के लिए ये लेकर आए हैं। देखिए, आपको समझना होगा, जो सरकार ने यहाँ के युवाओं को बोला था कि 5 लाख हम रोजगार देंगे और एक नियोजन नीति स्पष्ट नहीं बना पाई। इन्होंने पहले रघुवर जी का नियोजन नीति का विरोध किया, बड़े आपको मालूम होगा पिछला बार जब हेमंत जी विपक्ष में थे, यही स्थानीय नीति और CNT SPST को लेकर 5 साल पूरा सदन नहीं चला था। और इन्होंने युवाओं के बीच में जाके बोला था कि हम 1932 की खतियान को आधार मानकर नियोजन नीति बनाएंगे और 5 लाख लोगों को रोजगार प्रत्येक साल देंगे। लटका रखे हैं, सजे में मले कर रहे हैं, राजभवन में लटका के मुद्दा रखा हुआ, आप नहीं चाहते हैं 1932 और नियोजन लागू। देखिए, आपको करना है और मैं दूसरे को फाइल फेंक दूं, ऐसा कहा है। रघुवर दास जी ने 1950 ही लागू किया, लेकिन लागू अपने स्तर से कर दिया था ना। आप 1932 ही कैबिनेट से क्यों नहीं पास करते? सबके हित में था। आप अगर सबके हित में नहीं मानते हैं तो आप राज के मुखिया हैं, तो आपको सर्वसम्मति से राजहित में, यहाँ के लोगों के हित में आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए था। क्या आपने सर्वदलीय बैठक बुलाया?